घर और आसपास में अनुचित स्वच्छता के कारण मच्छरों का प्रश्न होता है। बुलढाणा जिले में ऐसे 5,56,140 घरों का निरीक्षण किया गया है और 4,44,493 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया है। गंभीर बात यह है कि 30 मरीज डेंगू के और 12 मरीज चिकनगुनिया के पाए गए हैं, इसलिए नागरिकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। जनवरी से मई 2024 तक जिले में डेंगू रोकथाम उपाय योजना के तहत 482 संदिग्ध रक्त नमूनों की जांच की गई है। 30 मरीज डेंगू के पाए गए हैं और 12 मरीजों में चिकनगुनिया पाया गया है। इस अभियान के तहत 13 शहरों और 52 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से 5,96,140 घरों की जांच की गई और इनमें से 4,44,493 घरों में मच्छर का लार्वा पाया गया है। मानसून की शुरुआत के दौरान डेंगू और मलेरिया सहित महामारी संबंधी बीमारियां बढ़ोतरी की संभावना, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और डेंगू मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा है। डेंगू रोकथाम उपाय योजना के तहत जिले में धड़क विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला शीतकालीन अधिकारी शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों से अपील की है कि वे सप्ताह में कम से कम एक बार अपने घरों में पानी के भंडारों को सुखाए और मच्छर का लार्वा पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नमस्कार, मी जिल्हा योजना अधिकारी बुलढाणा। सध्या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये डेंग्यूचे सुद्धा केसेस वाढत आहेत। कीटकजन्य रोगांचे बऱ्यापैकी आता पावसाळ्यामुळे केसेस वाढण्याची शक्यता आहे। त्यातल्या त्यात आता डेंग्यूच्या आणि चिकनगुनियाचे केसेस आपल्या जिल्ह्यामध्ये वाढत आहेत। त्या अनुषंगाने आम्ही जानेवारीपासूनच म्हणजे मागच्या 5-6 महिन्यामध्ये आपण सर्वेक्षण सुरू केलेलं आहे। प्रत्येक घराची पाणीसाठी तपासत आहोत आपण ढासळीत करता आणि त्याच्यामध्ये उपाययोजना करतो। तर पूर्ण म्हणजे मे महिना अखेरपर्यंत आपण 5,96,000 घरांमध्ये ढासळीकरता तपासणी केली। त्यापैकी 44,493 घरांमध्ये आपल्याला डासांच्या आळ्या आढळल्या। तसंच त्या एकूण घरांमध्ये 17,78,000 आपण पाण्याची भांडी तपासली। त्यापैकी जवळजवळ 1,38,000 पाण्याच्या भांड्यांमध्ये आपल्याला डासाळ्या आढळून आल्या। आता यापैकी मॅक्झिमम आपण खालीच करून घेत असतो, पण बऱ्याच ठिकाणी पाणी टंचाई असल्यामुळं आपण ते गाळून परत वापर करण्याचा सल्ला देतो किंवा ज्या ठिकाणी गाळूनही वापर करता येत नाही अशा ठिकाणी आपण केमिकल्सचा वापर करून त्याच्यातील डासाळ्या सगळ्या नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो। एनबीसी न्यूज के लिए अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।